डीआईजी के निर्देश के बाद पुलिस पूरे शहर में गुंडों की धरपकड़ हेतु फिर से अभियान चला रही है, जहां क्राइम ब्रांच और भरकुआ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खंडवा रोड से डकैती की योजना बनाते समय 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से धारदार हथियार भी जब्त किए गए। क्राइम ब्रांच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक भवरकुआ क्षेत्र में छुपकर कहीं डकैती की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, जिसके तुरंत बाद क्राइम ब्रांच और थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को धारदार हथियारों के साथ पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में दाऊद सैफू, शाहिल कैफ और जावेद शामिल है। क्राइम ब्रांच अब सभी पकड़े गए बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। छीनने की कई घटनाएं हुई थी, उसमें थानों के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगाया गया था और ये जानकारी मिली थी कि कुछ आरोपी लगातार विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाइक पर सवार होकर के मोबाइल छीनते हैं और कई बार इनके द्वारा चाकू दिखाया जाता है या पिस्टल दिखाई जाती है। इस सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने भी लगभग 4 लोगों को पकड़ा है। एक आरोपी इसमें से भाग गया है और चारों आरोपियों के इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं। ये लोग किसी बड़ी वारदात अंजाम देने की तैयारी में थे, उससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, इनके कब्जे से चाकू और पिस्टल भी बरामद हुई है। इसके अलावा जो कई मोबाइल छीनने की घटनाओं का भी इसमें जानकारी दी गई है, अभी इसमें और पूछताछ की जा रही है और अभी जो वारदातें इनके द्वारा मोबाइल छीनने की बताई हैं, साथ में मोबाइल जो छीने जाते हैं उनको IMI कैसे बदला जाता है वो भी इन आरोपियों के द्वारा किया जाता था। तो इस पूरे उसमें इनके ऊपर 399-402 IPC के तहत कार्रवाई की गई है और जो शहर में अन्य घटनाएं हुई हैं इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। कुछ मोबाइल जो अभी हाल में ही घटनाक्रम हुए थे उन मोबाइल को भी जब्त करने, अभी जो डकैती की योजना में बनाई गई है और ये एक बड़ी किसी शॉप में दुकान में ये एक बड़ी घटना की तैयारी में थे, उससे पहले इनको पकड़ा गया है। हाँ, ये इसमें से 1-2 लड़के ऐसे भी हैं जो यहाँ डॉलर मार्केट में काम करते थे, पूछताछ में जिनके द्वारा ये बताया गया कि ये जो मोबाइल छीनते थे उनका ये विभिन्न प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है उनके माध्यम से IMI बदल देते थे और जब बदल देते थे तो ऐसे मोबाइलों को सर्च करना भी मुश्किल होता था। तो ये एक बड़ी इसमें कामयाबी मिली है कि ऐसे लोग कुछ और जानकारी आई है जो IMI बदलने का काम करता। हाँ, इसमें जो आरोपी जो भी इसमें मोबाइल IMI बदलता था उसको भी इसमें गिरफ्तार किया गया और आरोपी बनाया गया। इनके द्वारा जो पूछताछ अभी हुई है इसमें मुख्य रूप से जो भवरकुआ, जूनी, इसके अलावा जो आपका पलासिया एरिया है, विजयनगर एरिया है, इन थाना क्षेत्रों में बाइक पर ये सवार होकर के घूमते थे और घात लगा करके मोबाइल छीनते थे। सभी जो लड़के 20 से 25 साल के उम्र के हैं और रहने वाले इसमें मुख्य रूप से सदर बाजार और छत्रीपुरा और आजाद नगर थाना क्षेत्र के हैं।